hello everyone welcome to for nurses preparation youtube channel i am nirej kumar kathal today is 4th february 2022 and today's important points for upcoming nursing recruitment exams are point number 1 symptoms of prostatitis includes फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड डिस जिन लोगों को प्रोस्टेटाइटिस कंडीशन होती है उन्हें बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होती है और जब वो यूरिन पास करते हैं तो उन्हें डिफिकल्टी फील होती है पेन फील होता है प्रोस्टाइटिस इज अ स्वेलिंग एंड इन्फ्लमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स के अंदर यूरिनरी ब्लैडर के नीचे पाए जाने वाली पी शेप्ड ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड इस ग्लैंड की स्वेलिंग को ही हम प्रोस्टेटाइटिस के नाम से जानते हैं पॉइंट नंबर थ्री सिक्कल सेल एनीमिया इज अ कंजनाइटल हीमोलाइटिक एनीमिया एंड इट इज कॉज्ड बाय डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन एस मॉलिक्यूल सिक्कल सेल एनीमिया के अंदर जो हमारी आर होती हैं ब्लड सेल्स होती हैं वो सिक्कल शेप्ड हो जाती हैं कुछ इस प्रकार की हो जाती हैं हिंदी में आप इसे कहें तो हसियाकार हो जाती हैं और इस डिज़ीज़ की जो ओरिजिन है वो कंजनाइटल टाइम से ही होता है यानी ये डिज़ीज़ जन्मजात होने वाली डिजीज़ है हीमोलाइटिक शब्द का मतलब होता है आर का टूटना यानी कि सिक्कल सेल एनीमिया ऐसा कंजनाइटल डिजीज है जिसमें आर उसके लाइफ स्पैन को पूरा करने से पहले ही टूट जाती हैं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और इसका कारण होता है कि हीमोग्लोबिन एस मॉलिक्यूल्स में डिफेक्ट होना हीमोग्लोबिन प्रॉपरली बना नहीं होता इस कारण आरबीसी समय से पहले ही टूट जाती हैं, इनकी शेप एबनॉर्मल होती है और यही कंडीशन सिकल एनीमिया के नाम से जानी जाती है पॉइंट नंबर फोर अ ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट शुड बी रीड आफ्टर फोर्टी एट टू सेवेंटी टू आवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पी किसी पर्सन में टीबी डिजीज़ है या नहीं इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट करते हैं इस ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट को वॉन पर्कुड के द्वारा डिस्कवर किया गया था इस टेस्ट के अंदर पेशेंट में हम पीपीडी यानी प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्ट करते हैं और फिर इसे फोर्टी एट से सेवेंटी टू आवर्स बाद रीड किया जाता है जिस जगह पर आपने इसे इंसर्ट किया है अगर उस जगह पर टेन एम एम साइज का चपता बन जाए रैश बन जाए तो इसका मतलब है पर्सन में टी बी डिजीज है पॉइंट नंबर फाइव रोटा वायरस इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीवियर डायरियल डिजीज इन इन्फेंट्स याद रखिएगा बच्चों में डायरिया का सबसे बड़ा कारण होता है रोटा वायरस। रोटा वायरस को प्रिवेंट करने के लिए रोटा वायरस वैक्सीन अवेलेबल है और इसे ओरल रूट से दिया जाता है जिसकी डोज होती है फाइव ड्रॉप्स। पॉइंट नंबर सिक्स वायरस टाइप वन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोलियोमाइलाइटिस पोलियो डिजीज होने के पीछे सबसे बड़ा कॉज है पोलियो का टाइप वन वायरस हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टीनोसिस इज द कॉमनेस्ट सर्जिकल डिसऑर्डर ऑफ स्टमक ड्यूरिंग इन्फेंसी याद रखिएगा जन्म के बाद एक साल की उम्र तक सबसे ज्यादा होने वाला सर्जिकल डिसऑर्डर है हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक पायलॉरिक स्टिनोसिस इस डिज़ीज़ के अंदर क्या होता है ये मान लीजिए जैसे किसी न्यूबॉर्न बेबी का स्टमक रीजन है और यहाँ पर इसकी पाइलोरस वाला एरिया होता है और यहाँ पर ही पाइलोरिक सेल्स पाई जाती हैं इस बच्चे के अंदर ये जो पाइलोरिक सेल्स हैं इनकी हाइपर होती हैं यानी इनका जो साइज़ है वो बढ़ जाता है इस साइज के बढ़ने के कारण यहाँ पर जो ये रास्ता है ओपनिंग है ये क्लोज हो जाती है यानी कि बच्चे का जो स्टमक का कंटेंट है वो आगे ड्यूडेनम में नहीं जा पा रहा होता है इसी कंडीशन को आप हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टिनोसिस के नाम से जानते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में पाए जाने वाली सेल्स का साइज बढ़ने के कारण इस रास्ते का ब्लॉकेज हो जाता है इसे ही हम हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक पाइलॉरिक स्टिनोसिस के नाम से जानते हैं और ये इन्फेंसी पीरियड के दौरान देखे जाने वाली सबसे ज़्यादा सर्जिकल कंडीशन होती है इस डिजीज में अक्सर हमसे ये पूछा जाता है कि आ, किस प्रकार की वॉमिटिंग देखी जाती है तो आप बताएंगे इस कंडीशन में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का मतलब है कि इन्फेंट जब वॉमिटिंग करता है तो उसकी वॉमिटिंग काफी दूर तक थ्रो हो जाती है दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग पॉइंट नंबर एट नॉर्मल ब्राउन कलर ऑफ स्टूल इज ड्यू टू स्टेरोकोबिलिन। याद रखिएगा स्टूल का ब्राउन कलर स्टेरकोबिलीन सब्सटेंस के कारण पिगमेंट के कारण होता है स्टरकोबिलीन पॉइंट नंबर नाइन मेलेटोनिन इज सिक्रीटेड बाय पीनियल ग्लैंड हमारी जो पीनियल ग्लैंड है उसके द्वारा मिलेटोनिन का सिक्रीशन किया जाता है पीनियल ग्लैंड को हम कई बार थर्ड आई के रूप में भी जानते हैं द पीनियल ग्लैंड इज अ स्मॉल पी शेप्ड ग्लैंड इट इज फाउंड इन ब्रेन पीनियल ग्लैंड जो है एक मटर के दाने के समान ग्रंथि है और यह हमारे ब्रेन में पाई जाती है फीमेल्स हैव लो आरबीसी काउंट इन कंपेरिजन टू मेल्स बिकॉज ऑफ मैंस्युर ब्लड लॉस याद रखिएगा फीमेल्स में मैं साइकिल के कारण ब्लड लॉस हो जाता है इसी वजह से फीमेल्स का जो आरबीसी काउंट है वो मेल्स की तुलना में कम होता है नेक्स्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्राइमरी ऊसाइट इज 46, सिक्स वेयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेकेंडरी उइट 23. प्राइमरी ऊसाइट में कुल क्रोमोसोम्स होते हैं 46 और सेकेंडरी उइट के अंदर होते हैं 23 बेसिक बट इंपॉर्टेंट आफ्टर ओव्यूलेशन रपचर्ड ग्रैफियन फॉलिकल बिकम्स कॉर्पस ल्यूटियम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या है तो आप बताएंगे ग्रैफियन फॉलिकल्स ओव्यूलेशन के दौरान ब्रस्ट हो जाती हैं रपच्चर हो जाती हैं फट जाती हैं और फिर इन्हें कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जाना जाता है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुड बी डन ऐट अ रेगुलर इंटरवल बाय अ वुमेन अबाउट द एज ऑफ थर्टी ईयर्स याद रखिएगा तीस साल की उम्र के बाद वुमेन को रेगुलरली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने चाहिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने चाहिए ऐसा करके वुमेन ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर सकती है हाइडेटीडिफॉर्म मोल इज अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा इन विच देर आर समी जेनरेटिव एंड प्रोलीफरेटिव चेंजेस आर सीन इन कॉरियोनिक विलाई प्लेसेंटा वह स्ट्रक्चर है जो कि बच्चे को गर्भ में मदर से जोड़ता है न्यूट्रेंट सप्लाई करवाता है अगर इस प्लेसेंटा के कोरियोनिक विलाई के अंदर कुछ एबनॉमल चेंजेस आ जाएं, चाहे वो प्रोलिफरेटिव हों या डी टाइप के हों इस कंडीशन को आप हाइडेटिडीफ के नाम से जानते हैं रिपीटिंग अगेन फॉर्म वह कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा के कोरियोनिक विलाइस के अंदर प्रोलिफरेटिव या डी जेनरेटिव एबनॉर्मल चेंजेस देखे जाते हैं आप चाहें तो इसका स्क्रीन ले सकते हैं इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर फिफ्टीन वेजाइनल ब्लीडिंग इज अ कॉमनेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ फॉर्म मोल अगर किसी क्लाइंट को फॉर्म मोल है तो वहां पर वेजाइनल ब्लीडिंग आपको कॉमनली देखने को मिलेगी नेक्स्ट इन केस ऑफ फॉर्म मोल एंड पॉलीहाइड्रामस प्री एक्लैमटिक फीचर्स में अपीयर इवन बिफोर ट्वेंटी वीक ऑफ प्रेगनेंसी अगर किसी क्लाइंट में फॉर्म मोल और पॉलीहाइड्रोमियोस कंडीशन है तो इसमें प्री एक्लमटिक फीचर्स ट्वेंटी वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले ही देखने को मिल सकते हैं पॉलीहाइड्रोमियोस का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूड की मात्रा दो हज़ार एम से ज़्यादा हो लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन मैन इज नोन एज असेक्शुअल पैरासाइट ऑफ लाइफ साइकिल याद रखिएगा मैन के अंदर मलेरिया पैरासाइट का जो लाइफ साइकिल होता है उसे हम असेक्शुअल फेस ऑफ लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं इंसिडेंस इज अ रेट वाइल प्रिविलेंस इज अ रेशियो देखिएगा किसी भी जगह पर डिजीजेज़ के नए केसेस जो होते हैं इंसिडेंस कहलाते हैं और इसे आप रेट से डिनोट करते हैं इंसिडेंस को हमेशा रेट द्वारा बताया जाता है प्रिवलेंस का मतलब होता है किसी भी जगह पर मौजूद डिजीज़ के ओल्ड और नो न्यू केस दोनों और इसे आप रेशो के रूप में बताते हैं सी इज अ बैक्टीरियल डिजीज लेप्रोसी जिसे आप हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं माइक्रो बैक्टीरियम लेप्रे द्वारा होने वाला बैक्टीरियल डिजीज है हाइपोवॉलिमिया अकर्स वैन अप्रोक्सीमेटली फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज लॉस्ड जब किसी पर्सन में किसी इंजरी या किसी और कारण की वजह से शरीर का पंद्रह से पच्चीस प्रतिशत तक फ्लूइड लॉस हो जाए तो यह कंडीशन हाइपोवॉलिमिया कहलाता है पॉइंट नंबर ट्वेंटी वन पार्किंसन्स डिजीज कॉजेस प्रोग्रेसिव मसल रिजिडिटी ट्रिमर्स अकाइनेशिया पार्किंसन डिजीज़ होने पर मसल्स के अंदर रिजिडिटी देखने को मिलती है यानी मसल्स में अकड़न आ जाती है वो इजीली मूवेबल नहीं होते साथ ही साथ पर्सन के अंदर ट्रिमर्स आते रहते हैं एबनॉर्मल मसल मूवमेंट्स होती रहती हैं और अकाइनेशिया होता है यानी पर्सन नॉर्मली वॉक नहीं कर पाता इजीली चल फिल नहीं पाता पार्किंसन डिजीज़ से सफरिंग पेशेंट जो है अक्सर झुककर लड़खड़ाते हुए छोटे छोटे कदमों के साथ चलता है पॉइंट नंबर ट्वेंटी टू स्कॉलियोसिस इज डिफाइंड एज लेटरल एस शेप्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन अगर किसी क्लाइंट में उसका स्पाइन एस शेप्ड हो जाए यानी कि लेटरल साइड से कर्व्ड हो जाए सीधा होने की बजाय तो यह कंडीशन स्कॉलियोसिस के नाम से जानी जाती है पॉइंट नंबर ट्वेंटी थ्री ड्यू टू पुअर एडजस्टमेंट एंड इनएडिक्वेट फीडिंग ड्यूरिंग फर्स्ट टेन डेज आफ्टर बर्थ देयर इज लॉस ऑफ वेट इन एन इन्फेंट जन्म के तुरंत बाद पहले सात से दस दिनों के भीतर बच्चा नए एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर रहा होता है इस वजह से प्रॉपर वो फीडिंग नहीं कर पाता और इसी कारण शुरुआती दस दिनों के अंदर उसके टोटल बर्थ वेट का अप्रॉक्सीमेटली टेन परसेंट वेट लॉस देखा जाता है और अगले सात से दस दिनों में बच्चा इसे वापस गेन कर लेता है बर्थ हाइट डबल्स एट फोर इयर्स ऑफ एज याद रखिएगा बर्थ के समय जो बच्चे की हाइट है वो लगभग चार साल की उम्र पर डबल हो जाती है बर्थ हाइट डबल्स एट द एज ऑफ फोर ईयर्स इंपॉर्टेंट है रीसेंट एग्जाम में इसे पूछा गया है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉइंट नंबर ट्वेंटी फाइव बर्थ हाइट ट्रिपल्स एट थर्टीन टू फोर्टी फिफ्टीन ईयर्स याद रखिएगा न्यू बॉर्न बेबी की जो बर्थ हाइट है वो उस बर्थ हाइट का तीन गुना तेरह से पंद्रह साल की उम्र पर हो जाती है दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बर्थ हाइट डबल कब होगी फोर ईयर्स पर और ट्रिपल कब होगी थर्टीन टू फिफ्टीन ईयर्स पर नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ इज कंट्रोल्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। टेस्टेस्टिरोन का निर्माण ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है टेस्टेस्टिरन एक मेल सेक्स हार्मोन है जो कि टेस्टिस द्वारा रिलीज किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट मैक्रोफेजेस आर मैच्योर फॉर्म ऑफ मोनोसाइट्स मोनोसाइट्स की मैच्योर फॉर्म को आप मैक्रोफेजेस कहते हैं और मोनोसाइट बेसिकली डब्लू का एक प्रकार है पॉइंट नंबर ट्वेंटी एट साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होती है उसके ऊपर यदि राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो इसे आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं और इन्हीं राइबोसोम्स में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहीं पर प्रोटीन का निर्माण होता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्वैब शुड बी टेकन बिफोर द बाई मैनुअल एग्जामिनेशन इन दिस वन शुड बी टेकन फ्राम हाई वेजाइना सेकेंड इज फ्रॉम एंडोसरवेक्स एंड थर्ड वन इज टेकन फ्रॉम द यूरेथ्रा ट्रिपल स्वाब टेस्ट जो होता है उसे बाई मैनुअल एग्जामिनेशन से पहले परफॉर्म किया जाना चाहिए यानी कि किसी पर्सन में आप जेनाइटल एरियाज को असेस कर रहे हैं पेरिनल एरिया को असेस कर रहे हैं तो आपके बाई मैनुअल एग्जामिनेशन से पहले ट्रिपल स्वाप टेस्ट के लिए सैंपल लेना चाहिए और ट्रिपल स्वाप टेस्ट के लिए जो सैंपल होता है वो पहला जो सैंपल होगा वो हाई वजाइनल एरिया से लिया जाएगा सेकंड होगा वो सर्विक्स पार्ट से लिया जाएगा और जो लास्ट सैंपल होगा वो यूरिथ्रा से लिया जाएगा थ्री स्वाप या ट्रिपल स्वाप्स आर यूजुअली टेकन स्क्रीनिंग ऑफ इंफेक्शन इन सिम्प्टोमेटिक वुमेन किसी वुमेन में इंफेक्शन कौन सा है है या नहीं इस चीज को कंफर्म करने के लिए ट्रिपल स्वाप टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर थर्टी इन पेल्विक इन्फ्लामेट्री डिज़ीज़ डब्लू बी सी काउंट एंड ई एस आर लेवल इनक्रीजेज़ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ यानी पी आई डी इस डिज़ीज़ के अंदर डब्लू बी सी काउंट और ई एस आर दोनों का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है ई एस आर स्टैंड फॉर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट पॉइंट नंबर थर्टी वन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज इंक्लूड्स अगर किसी क्लाइंट में पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है एक्यूट पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है तो उसमें कौन कौन से एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं लोअर एबडोमिनल पेन पेल्विक पेन पायरेक्सिया हेडेक इरेग्युलर एंड एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग प्रूलेंट वेजाइनल डिस्चार्जेस डिस्पायरेन्यूया, नॉजिया वॉमिटिंग ये सभी फाइंडिंग्स आपको एक्यूट पेल्विक इन्फ्लामेट्री डिजीज के पेशेंट में देखने को मिल सकती हैं पॉइंट नंबर थर्टी टू एंटीपार्टम पार्टम हैमरेज इज डिफाइंड एज अ ब्लीडिंग विच अकर्स फ्राम और विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आफ्टर ट्वेंटी एट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी याद रखिएगा प्रेगनेंसी के दौरान अगर अट्ठाईस वीक से लेकर बच्चे के जन्म से पहले इस दौरान अगर वुमेन के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होती है तो इसे आप एंटी पार्टम हेमरेज के नाम से जानते हैं एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं अट्ठाईस सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद से लेकर बच्चे के जन्म होने से पहले इस दौरान यदि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होती है तो ये कंडीशन एंटीपार्टम हेमरेज के नाम से जानी जाती है पॉइंट नंबर थर्टी थ्री वेंटस इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू असिस्ट द प्रोसेस ऑफ़ चाइल्ड बर्थ बाई क्रिएटिंग अ वैक्यूम बिटवीन इट एंड द फीटल स्कैल्फ वेंटस एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके द्वारा हम डिलीवरी कंडक्ट करवा सकते हैं ये देखने में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है ये आगे वाला हिस्सा वैक्यूम क्रिएट करता है ये रबर लाइक सब्सटेंस से बना होता है इसे आप बच्चे के हेड वाले पार्ट पर अटैच करते हैं लगा देते हैं और फिर यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होने के कारण ये इस पर फिक्स हो जाता है और फिर इसे आप बाहर की तरफ पुल करते हैं तो बच्चे की डिलीवरी करवाई जा सकती है तो हम कह सकते हैं कि वेंटस को बच्चे के हेड पर स्कल्प पर लगाकर बच्चे को बाहर की तरफ पुल करते हुए डिलीवरी करवाने के लिए इस इक्विपमेंट या वेंटस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है पॉइंट नंबर थर्टी फोर क्वांडम इज द मोस्ट वाइडली यूज मेल कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड कॉन्डम जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेल कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड है पॉइंट नंबर थर्टी फाइव टिटनेस इज़ करक्टराइज बाय मस्क्युलर रिजिडिटी याद रखिएगा जो टिटनेस डिजीज है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी नामक बैक्टीरिया से होता है और इस बैक्टीरिया के द्वारा बॉडी में आने के बाद टॉक्सिन्स का रिलीज किया जाता है ये टॉक्सिन्स पर्सन के जो मसल्स होते हैं उन्हें रिजिड बना देते हैं सख्त बना देते हैं और इसी वजह से पर्सन की बॉडी में अकड़न आने लगती है एबनॉर्मल मूवमेंट, एबनॉर्मल पोश्चर्स हो जाते हैं और धीरे धीरे पर्सन के लंग्स भी काम नहीं करते और पर्सन की डेथ तक हो जाती है तो टिटनेस एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है पॉइंट नंबर थर्टी सिक्स एड्स ब्रेक डाउन द बॉडीज इम्यून सिस्टम एंड एक्सपोजेस द पेशेंट टू वेरियस सेकेंडरी इन्फेक्शन जब भी किसी पर्सन को ह्यूमन इम्यूनो वायरस एच का इन्फेक्शन होता है एड्स होता है तो इस वायरस के द्वारा हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसे बेकार कर दिया जाता है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो इस कारण से हमारी बॉडी छोटे से छोटे इन्फेक्शन के लिए ससेप्टिबल हो जाती है और इन्हीं इन्फेक्शन के कारण पर्सन की डेथ हो जाती है तो याद रखिएगा एड्स पेशेंट के अंदर आपकी प्रायोरिटी में से एक रहेगा कि आप उसे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करें पॉइंट नंबर थर्टी सेवन किडनी फंक्शन इज असेस्ड बाय इवेल्युएटिंग ब्लड यूरिया नाइट्रोजन सिरम यूरिया लेवल सिरम क्रेटिनिन लेवल अगर किसी पर्सन में आपको किडनी फंक्शंस का असेसमेंट करना है तो उसके लिए तीन इम्पॉर्टेंट टेस्ट आपको याद रखने हैं एक तो है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जिसे आप बन नाम से जानते हैं दूसरा आता है यूरिया लेवल और तीसरा आता है क्रिटनिन लेवल नॉर्मल ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल एस एट टू ट्वेंटी एम पर डीएल नॉर्मल बन लेवल आठ से बीस एम पर डीएल के बीच होता है पॉइंट नंबर थर्टी नाइन बी सी जी वैक्सीन इज गिवेन इन द लेफ्ट अपर आर्म इट इज़ गि एट बर्थ इंट्राडर्मल रूट इट्स डोज जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एल वैन इट इज गिवेन एट बर्थ एंड जीरो पॉइंट वन एम एन एम एल वैन गिवेन एट सिक्स वीक्स ऑफ एज देखिएगा जो बेसिलस कालमेटी कॉलमेटी वैक्सीन है ये टी बी डिजीज के अगेंस्ट दिया जाता है और इस वैक्सीन को हम किसी भी बच्चे के लेफ्ट अपर आर्म पर लगाते हैं और इसी कारण से हर पर्सन के जिसे बीसीजी वैक्सीन लगा है लेफ्ट अपर आर्म पर व्हील शेप्ड रैश दिखाई देता है ये एक परमानेंट स्कार छोड़ने वाला वैक्सीन है अगर हम सिंपली कहें तो अब इसके रूट की बात करते हैं बी वैक्सीन को आप इंट्राडर्मल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं और इंट्राडर्मल रूट से जब भी आप इंजेक्शन इंसर्ट करेंगे तो जो नीडल है उसका और स्किन के बीच में फिफ्टीन डिग्री का एंगल होना चाहिए अगर आप बी वैक्सीन किसी बच्चे को जन्म के समय तुरंत लगा रहे हैं तो इसकी जो डोज होगी वो जीरो पॉइंट जीरो वन एम होगी और अगर आप इसे छः सप्ताह की उम्र पर लगा रहे हैं तो इसकी डोज ज़ीरो पॉइंट वन एम होगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉइंट नंबर फोर्टी साइट ऑफ स्टीरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन सेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ईआर ER होती है वहीं पर स्टीरोइड्स और कोलेस्ट्रोल्स का निर्माण होता है स्टीरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है वन वीक बिफोर द मैंशुरल पीरियड एंड वन वीक आफ्टर मैंशुरल पीरियड इस टर्म्ड एज सेफ पीरियड याद रखिएगा मैंशुरल ब्लीडिंग के पहला पहले एक सप्ताह और बाद में एक सप्ताह सेफ पीरियड के नाम से जाना जाता है इट मीन्स यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से कंसीव होने के चांस बहुत ही कम होते हैं पॉइंट नंबर फोर्टी टू कॉपर टी थ्री एटी ए कंटेन्स थ्री हंड्रेड एटी एम एम सरफेस एरिया ऑफ कॉपर वायर अराउंड द स्टेम जो कॉपर टी डिवाइस होता है उसमें कुल तीन सौ अस्सी एम एम सरफेस एरिया का कॉपर वायर लगा होता है और इसका इस्तेमाल जो है कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट के लिए किया जाता है सो so एवरी ये था हमारा आज का वीडियो होपफुली ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे हेल्पफुल लगे होंगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए नर्सिस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स अलॉट एंड बेस्ट ऑफ लक